यहाँ तक कि वो लोग राम नाम की चादर पे सोते भी हैं, राम नाम के चादर को ओढ़ते भी हैं, उनके जो शॉल होते हैं वो भी राम नाम के टैटू से ही बने होते हैं या राम नाम उस पे लिखा ही रहता है। तो इस तरह से उनके पूरे जीवन में राम नाम। हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज 20 तारीख है, आज देखते हैं आज का डे कैसा रहता है। बाकी तो सुबह की शुरुआत वैसे हुई है, उठना, एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट में लेना, एंड आफ्टर दैट ब्लॉगिंग, एडिटिंग और ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। आज सनलाइट भी बहुत तेज़ है, ये आ भी नहीं सकता है, बारिश के बाद का ये सनलाइट है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डोंट नो। लेकिन चलिए, सभी लोगों को गुड डे, आपका दिन भी बहुत अच्छा हो। शुरू करते हैं स्नैप ब्लॉग को, देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है और कौन से टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। टॉपिक डिस्कशन नहीं छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे वीडियो का वो हार्ट है, दिल है, तो प्लीज़ वहाँ तक बने रहें, पूरा देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो लाइट बहुत आ रही है इस वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अभी मैं आया था हज़रतगंज साइड ऑफिस के कुछ काम से, तो यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। ये हज़रतगंज है, लखनऊ का इसको हार्ट बोला जाता है, यानी दिल। अभी मैं मेट्रो के लिए जा रहा हूँ, सचिवालय मेट्रो, यानी यहाँ विधानसभा के पास जो मेट्रो स्टेशन बना है, सचिवालय मेट्रो जिसको कहा जाता है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है बिकॉज यहाँ बहुत शोरगुल है, ट्रैफिक है बहुत, इसलिए मैं विधानसभा के पास हूँ और यहाँ पीछे बीजेपी कार्यालय है। ये विधानसभा है, नया लोक भवन बना हुआ है और ये पुराना लोक भवन है, विधानसभा जिसको बोलते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है ये, कभी अगर आप लखनऊ आए तो यहाँ ज़रूर घूमने आए। आगे सचिवालय मेट्रो स्टेशन है जहाँ तक मैं पैदल जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मेट्रो से मुझे जाना है। मैंने बाइक अपनी पार्क कर रखी है मेट्रो स्टेशन पे, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से बाइक से तब घर जाएंगे। तो फाइनली हम लोग टॉपिक डिस्कशन के सेक्शन में पहुँच गए हैं, जहाँ पे हम रोज़ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले तो हमारे चैनल पर ब्लॉगिंग के कुछ पार्ट्स रहते हैं, एंड आफ्टर दैट ये टॉपिक डिस्कशन होता है। तो आज का जो टॉपिक है, इसका नाम है रामनामी समाज या रामनामी संप्रदाय, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। हम आज ये जानेंगे कि ये समाज क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस समाज का जो संबंध है वो भारत के किस पार्ट से है, कहाँ पे इस समाज के लोग रहते हैं और इनके नियम कानून क्या होते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये सारी चीज़ों की के बारे में डिटेल डिस्कशन आज करेंगे इस टॉपिक डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत टाइम से हमारे बुक्स में पढ़ाए जाते हैं, हमारे क्लास में पढ़ाए जाते हैं या बताया जाता है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, कि भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है, अर्थात बहुत तरह की डाइवर्सिटीज है यहाँ पे, हर एक चीज़ में, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो रहन सहन के तौर तरीकों की बात हो, हर एक क्षेत्र में बहुत डाइवर्सिटीज है। यहाँ तक कि भारत के अंदर कई तरह के धर्म भी हैं, बहुत सारे ऐसे दुनिया के कंट्री हैं जहाँ किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग रहते हैं और उसी धर्म उसी रिलीजन पर फोकस किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर सभी धर्मों को समान वैल्यू दिया जाता है और इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश की कैटेगरी में रखा गया है। वैसे तो भारत में मुख्यतः 5 या 6 धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, लेकिन इनके अलावा बहुत से अन्य धर्म भी यहाँ पे हैं, विद्यमान हैं, काम कर रहे हैं, और इन सभी धर्मों के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय हैं जो कि काफ़ी वर्षों पहले से शुरू हुए हैं, उनकी स्थापना हुई है और अभी भी काम करते हैं। इन धर्मों में अलग अलग संप्रदाय, उनका अलग अलग मत है और वो अपने मत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही रामनामी समाज है। रामनामी समाज का संबंध तो वैसे मुख्यतः हिंदू धर्म के है अंतर्गत है और ये समाज के लोग हिंदू धर्म के ही होते हैं, लेकिन
इनके कुछ अपने मत हैं और वो मत क्यों इस्टेब्लिश हुए, क्यों उनके मत स्थापित हुए और इस समाज की स्थापना क्यों की गई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस समाज की स्थापना वर्ष 1890 के आसपास, एक फिक्स डेट कोई नहीं है, 1890 के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा के चारपारा गांव में रहने वाले एक दलित व्यक्ति परशुराम जी के द्वारा की गई थी। परशुराम दलित वर्ग से थे और उनके साथ हो रहे भेदभाव, तरह तरह के छुआछूत की बातें करने की वजह से उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। रामनामी समाज के लोगों का मुख्य संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी जिलों में रामनामी समाज के लोग रहते हैं। इनको पहचानने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इनको देखते ही लोग पहचान जाते हैं कि ये रामनामी समाज से हैं, क्योंकि ये अपने पूरे शरीर पे राम राम नाम का टैटू बनवा के रखते हैं। अस्थाई टैटू रहता है इनके पूरे शरीर में, यानी वो तब तक रहता है जब तक उनका जीवन है, वो टैटू उनके जीवन के साथ ही समाप्त होता है। पूरे शरीर में वो राम नाम का टैटू रहता है, यहाँ तक कि वो लोग राम नाम के चादर पे सोते भी हैं, राम नाम के चादर को ओढ़ते भी हैं, उनके जो शॉल होते हैं वो भी राम नाम के टैटू से ही बने होते हैं, राम नाम उस पर लिखा ही रहता है। तो इस तरह से उनके पूरे जीवन में राम नाम रच बस गया है। अब इस संप्रदाय की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? कारण ये था कि जैसा कि भारतीय इतिहास के हिसाब से कहा जाता है कि पहले बहुत भेदभाव था, जो सवर्ण वर्ग के लोग थे वो दलित वर्गों के साथ बहुत भेदभाव करते थे, उन्हें जो भारतीय जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वो पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें मंदिरों में जाने नहीं देते थे, जिसके वजह से दलित वर्ग हिंदू धर्म से तो था लेकिन उसके साथ भेदभाव होने की वजह से वो इन सारी चीज़ों में भाग नहीं ले पाता था, वो इन सारी चीज़ों को अपने अकेले अपने समाज के अंदर करता था। इस भेदभाव की वजह से व्यथित होकर परशुराम जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय में उन्होंने कहा कि हमें ना मंदिरों में जाने की ज़रूरत है, ना हमें किसी धर्म पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत है, हम राम नाम को अपने अंग अंग में बसा लेंगे। और उन्होंने क्या किया, अपने पूरे बॉडी पर, पूरे शरीर पे राम नाम का टैटू बनवा लिया और बोला कि अब राम हमारे कण कण में विद्यमान है, हम सोएं, हम जागे या हम कुछ भी करें, राम हमारे साथ हैं, हमें मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनका मानना था, इस संप्रदाय का मानना है और इस संप्रदाय के लोग इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष इस समाज का एक धर्म समागम होता है, एक धर्म मेला लगता है, जहाँ पे पूरे समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं और इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, इस सम्मेलन से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि अब जो इस समाज की युवा पीढ़ी जो आगे आ रही है, इस समाज के लोग अब धीरे धीरे इससे पीछे हट रहे हैं, इसको पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे कि जो पुराने लोग थे वो अपने पूरे शरीर पर टैटू करवाते थे, लेकिन जो अब नई युवा पीढ़ी है जिसे दुनिया में जाना है, जो देश दुनिया देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, वो इस टैटू से बचना चाहती है और अपने शरीर के किसी छोटे से भाग में कहीं पर हल्का सा एक राम नाम का टैटू बनवा लेते हैं और उस प्रथा को आगे चलाते रहते हैं, लेकिन पूरे शरीर पे टैटू करवाने से अब बच रहे हैं, जिस वजह से इस संप्रदाय धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। हालांकि फिर भी एक गणना के हिसाब से कहा जाए तो इस संप्रदाय के लोगों की संख्या अभी भी 50,000 से 1,00,000 के बीच है, जो इस संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं और आगे इसे बढ़ा रहे हैं। जब इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें दलित वर्ग के ही लोग रहते थे, बेसिकली इस संप्रदाय को फॉलो करते थे, लेकिन धीरे धीरे अन्य वर्गों के लोग भी इस संप्रदाय में शामिल होने लगे, जैसे कि बनिया, राजपूत या ब्राह्मण वर्ग के लोग भी अब इसमें शामिल होने लगे और अब ये संप्रदाय मात्र दलित वर्ग का ही नहीं रह गया, बाकी लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं और इसमें अभी कोई भेदभाव नहीं है और सब लोग इसको बहुत साफ मन से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप अपनी राय जाके जरूर कमेंट बॉक्स में दें और अगर अच्छा लगा हो तो दूसरे के साथ शेयर भी करें, लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।